टेंथ क्लास में हम जो हमारे पास रिफ्लेक्शन है उसके बारे में पढ़ चुके थे, थोड़ा जो मिरर का कंसेप्ट है वो भी हम देख चुके थे। ऐसे ही आज हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, रिफ्लेक्शन हमें इस होता है, अगर कोई हमारे पास रे है एक, और वो हमारे पास किसी एक मीडियम से आ रही है दूसरे मीडियम में, ऊपर डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम का मीन्स होता है जैसे हमारे पास कोई गिलास है, कोई लिक्विड है, कोई वाटर है इस टाइप। पर एयर का मीन्स होता है हमारे पास जहाँ एयर हो हमारे पास, एयर मीडियम हवा हो। ठीक है, तो अगर कोई भी रे हमारे पास एयर से डेंसर में आ रही है या डेंसर से एयर में जा रही है तो क्या होगा, वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी, वो अपने पाथ से चेंज हो जाएगी। इसे हम बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, कोई रे आ रही थी इस टाइप से, रे को जहाँ तो भी उसी चाहिए था लेकिन रे ये हो रही थोड़ी सी इस टाइप से हट गई, इस टाइप से हट गई ये जो रे है। ठीक है, तो ये रे है हमारे पास, ये थोड़ा डेविएट हो गया अपने रास्ते से, इसे बोलते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन। तो जब भी कोई लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी, इसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जो लाइट आती है रे उसे बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, जो रे जा रही है हमारे पास उसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और उसे बोलते हैं नॉर्मल। ये एंगल आई, ये एंगल आ। ठीक है, क्या है वैन ए लाइट रे ट्रैवल 1 मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट डेविएट्स। ठीक है, जब भी कोई लाइट रे अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी, अपने पाथ से चेंज हो जाएगी, इसे बोलते हैं फिनोमेना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है, क्योंकि लाइट की जो स्पीड है, लाइट की जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए क्या होगा हमारे पास रिफ्रैक्शन होता है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि लाइट की स्पीड क्या है डिफरेंट है डिफरेंट मीडियम में, ग्लास में अलग है लाइट की स्पीड, वाटर में अलग है, इस टाइप से। यहाँ रिफ्रैक्शन के दो रूल भी बनने हैं, जो रे आ रही है इंसिडेंट रे, जो रिफ्रैक्टेड रे है, जो नॉर्मल रे है, वो तीनों सेम प्लेन अप्लाई कर रही हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, फर्स्ट लॉ है हमारे पास इंसिडेंट रे, और जो आपका रिफ्रैक्टेड रे ये वाली लाइन भी यही है किसी पॉइंट पर, और नॉर्मल रे लाई कर रही है सेम प्लेन पर। और दूसरा रूल क्या होता है रिफ्रैक्शन का, कि जो हमारे पास इंसिडेंट एंगल का साइन है, रिफ्रैक्टिव एंगल का साइन है, उन दोनों का रेशो जो हमारे पास ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं N2 और N1 इनके इक्वल होगा रेशो के, और इसे बोलते हैं हम स्नेल का रूल भी, स्नेल्स लॉ। ठीक है, N2 और N1 क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या होती है, ये रेशो होता है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट जो हमारे पास लाइट की है और स्पीड ऑफ मीडियम। ठीक है, सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट, मीडियम स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी है, और स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी है, मीडियम में कितनी है। ठीक है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती। तो आज आप रिफ्रैक्शन वाले आप देख लेंगे कि जब भी कोई लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पास से डेविएशन से एक चेंज हो जाएगी, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन में दो रूल होते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे, तीनों सेम पे अप्लाई करते हैं। दूसरा, इंसिडेंट एंगल का साइन रिफ्रैक्टिव एंगल का साइन इक्वल होता है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशो के। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीन्स होता है रिफ्रैक्शन का इंडेक्स, यानी कि कोई भी ग्लास कितना पतला है या कितना थिकनेस उसकी ज़्यादा है, इस वजह से मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का।